सो हेलो एवरीवन आज मैं अपने हस्बैंड के सफेद बालों को छुपाने के लिए हेयर डाई यूज कर रही हूँ एंड आज जो मैं हेयर डाई यूज कर रही हूँ आपके साथ उसका रिव्यू भी शेयर कर रही करी लाइव डेमो भी हो जाएगा तो ये देख सकते हैं पतंजलि की केश कांति हर्बल मेहंदी है जो कि मैंने डार्क ब्राउन कलर में लिया है इसमें आपको तीन वेरियंट मिल जाते हैं ब्लैक मिल जाता है नेचुरल ब्लैक डार्क ब्राउन या बागंडी कलर तो तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर डार्क ब्राउन लिया है जो कि नेचुरल सी टोन देता है कि लगता ही नहीं कि आपने हेयर कलर किया हुआ है तो फर्स्टली आप देख लीजिए कुछ इस तरह के पैकेट ये है 20 ग्राम की क्वांटिटी का मैंने पाउच लिया है और इसमें 20 ग्राम की क्वांटिटी मुझे मिली है बीस रुपए की एक साल की शेल्फ टाइप मिल जाती है नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ इसे बनाया गया लेकिन कुछ परसेंट केमिकल्स भी डाले जाते हैं बिना केमिकल्स के कोई भी हेयर डाई नहीं बनती है लेकिन वो केमिकल्स ऐसे है जो आप हार्म ना करे इरिटेट ना करे लेकिन सेंसिटिव स्किन वालों को इरिटेट कर सकते हैं तो यूज करने से पहले कान के पीछे एक टेस्ट कर लीजिएगा इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं वो है हीना आंवला मेथी शिकाकाई नीम भृंगराज काथा चाय पत्ती कलौंजी एंड नीम नीरपत्ता एंड इस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बनाया गया है इसको हेयर पर लगाने के लिए आपको इसका अगर आपके बाल बहुत ज्यादा लेंथी हैं तो आप इसका पूरा पैकेट यूज कर सकते हैं लेकिन आज मैं अपने हस्बैंड के हेयर को कलर करने वाली हूँ तो उनके बाल इतने ज्यादा लंबे नहीं

कलर में आ जाएगी उसके बाद आप इसे हेयर पर अप्लाई कर सकते हैं तो पहले आप देख लीजिए कि कितने बाल व्हाइट हो रखे हैं बहुत ही सफेद हो रखे हैं बहुत दो दो महीने तक हेयर कलर नहीं करते हैं तो इतने ज्यादा बाल व्हाइट हो जाते हैं तो मैं फटाफट से हेयर कलर लगा लेती हूँ लेकिन आपको एक और चीज बता दू अगर आपने बालों पर ऑयल किया हुआ है तो ये आपके बालों पर कलर नहीं देगा बाल वॉश होने चाहिए गंदे नहीं होने चाहिए मैले नहीं होने चाहिए वोश्ड हेयर को ड्राई करके उसके बाद ही आप इसे अप्लाई करना अदरवाइज कलर नहीं आएगा ऑयल लगा होगा तो बिल्कुल भी कलर नहीं आएगा तो तक छोड़ देना है, उसके बाद आप इसको वॉश करने के लिए शैम्पू भी यूज कर सकते हैं जैसे कुछ कुछ डाई में होता है ना शैंपू यूज नहीं करना है आप दो दिन बाद यूज कर सकते हैं बट इसको रिमूव करने के लिए आप शैम्पू भी यूज कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं होगा आप कैसे भी वॉश कर सकते हैं ल्यूकम वाटर से या नॉर्मल वाटर से तो यहाँ पूरे बालों में अच्छे से कलर लग गया है ये वाली डाई लग गई है तो अब मैं आपको इसके रिजल्ट वॉश करने के बाद दिखाती हूँ सो so, तो यहाँ पे हस्बैंड ने अपना हेयर वॉश कर लिया है और शैंपू किया था तो देखिए स्कैल्प में बिल्कुल भी नहीं लगा है ये हेयर डाई और अच्छे से नेचुरल ब्राउन सा कलर आ गया ओवर लेपिंग लग रहा था ना कि ओवर बहुत ज्यादा काला हो जाएगा वैसा भी नहीं हुआ बहुत ही अच्छी नेचुरल टोन आ गई है तो मेरी तरफ से डेफिनेटली रिकमेंडेड है आप इसे यूज कर सकते हैं एंड अगर बात की जाए कि ये कितने दिनों तक रहता है बालों में तो मैं आपको बताऊँ की आठ से दस दिन ही स्टेबल रहता है उसके बाद धीरे धीरे ये रिमूव होने लग जाता है वैसे मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है कि जितने भी हेयर डाई लगाती हूँ वो दस बारह दिन से ऊपर नहीं चलते हैं फिर व्हाइट बार शुरू हो ही जाते हैं तो ये भी आठ से दस दिन तो आराम से चल जाता है कभी कभी ये पंद्रह दिन भी चल जाता है वो डिपेंड करता है आपके हेयर्स की लेंथ के ऊपर और आपके हेयर्स की ग्रोथ के ऊपर तो ये था मेरा होनेस रिव्यू इस केश कांति हर्बल मेहंदी के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर